इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के बारे में, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग से लेकर हमारे पीछे लगी स्ट्रीट लाइट तक को ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और यदि आज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो हम दो या तीन तरीके से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू तरीका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, क्योंकि हम उस वक्त में आ गए हैं जब हम न्यू इनोवेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ऐसे ही एक इनोवेटिव आइडिया को हम इस वीडियो में बनाएंगे और उसे हम कैसे अपने साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं वो भी जानेंगे। और इस इनोवेटिव आइडिया को हम वर्टिकुलर एक्सिस विंड टरबाइन कहते हैं, और इससे हम ट्रैफिक से पैदा होने वाले एयर प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस आइडिया को बनाना। अब हम अपने आइडिया को करने जा रहे हैं रियलिटी में कन्वर्ट। उसके लिए हमें करना होगा मटेरियल कलेक्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अमेजोन, क्लिक करें और पूरा मटेरियल एक ही बॉक्स में कलेक्ट करें। जी हाँ, ऑल मटेरियल इन वन बॉक्स। और अब हम करेंगे इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। एयर डायनेमो मोटर जो 24 मतलब 24 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, हाई पावर डायनेमो मोटर जो हम अपनी वर्टिकुलर एक्सिस विंड टरबाइन में यूज करेंगे, और ये वर्टिकुलर एक्सिस विंड टरबाइन की प्रोपेलर बनाने के लिए हमारे 3D प्रिंटर के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले चलो करते हैं इनकी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट। तो ये यहां पर लगाया और ए यहां पर लगाया, देखो कितना ईजी था इसका ढांचा बनाना। अब हम अपने ढांचे में ब्लेड लगाएंगे। देखो अब हमारी तैयार है वर्टिकुलर एक्सिस विंड टरबाइन। चलो अब देखते हैं रियल में एयर प्रेशर से मूव होती है या नहीं। तो देखो हमने टेस्टिंग भी कर ली है, ये एयर प्रेशर से बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही थी, आपने खुद देखा था। पर अब हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है इसे, तो प्रोजेक्ट को तो लुक वाइज बनाना होगा। तो अब ये तो हमारी कंप्लीट है, तो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो ये हमारा 2.5x1.5 फीट का है प्लाईवुड, इसकी साइज हमने अपने अनुसार रखी है क्योंकि ये हमारे बॉक्स में नहीं मिलेगा इतना बड़ा प्लाईवुड, तो इसे हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो देखो ये प्लाईवुड पर हम यहाँ पर रोड्स बनाएंगे, बैरियर्स लगाएंगे, वो ग्रीन बैरियर पेपर लगाएंगे, अपने अनुसार आप कैसा भी लगा सकते हैं जैसा आपको लुक वाइज करना हो। तो चलो करते हैं अब हमारे प्रोजेक्ट की डेकोरेशन। तो देखो हमारा हाफ प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, इसे आप अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट का सामान ये बॉक्स में मिलेगा, लुक जैसा भी आप कर सकें। अब हम लगाएंगे यहाँ पर अपना वर्टिकुलर एक्सिस विंड टरबाइन। अपनी विंड टरबाइन को हमने रोड में होल कर लगा दिया है और अब उसके वायर को काट दिया है जिससे हम उसकी वायर की डिस्टेंस को बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि वायर की डिस्टेंस बढ़ाएंगे तभी सर्किट तक उसकी सप्लाई पहुंचेगी। और डायोड इसलिए लगाया है कि जो जनरेट हो इलेक्ट्रिसिटी वो बैटरी तक जाए और बैटरी में स्टोर हो जाए, पर बैटरी से लौट कर ना आए। और ये 9 वोल्ट का कैप लगा दिया है, क्यों? क्योंकि बैटरी में हम सीधा कैप जोड़ देंगे। और LED बल्ब लगाएंगे हम जहाँ पर हमने वायर जोड़ा था, मतलब कि सप्लाई की शुरुआत में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो LED बल्ब पर देखेगी, पर LED बल्ब से होकर वो बैटरी में स्टोर होगी लेकिन बैटरी की पावर बैक नहीं आएगी LED बल्ब को ग्लो करने के लिए। इसे साफ साफ पता चलेगा हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, देख सकते हैं, और बैटरी में स्टोर हो रही है ना। अमेजिंग आइडिया, देखो पूरा वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, LED बल्ब ग्लो हुआ और बैटरी में पावर स्टोर हुआ। ये 3D एनिमेशन डायग्राम है, आप एनिमेशन बेस पर पूरी के पूरे डायग्राम को देख सकते हैं, कनेक्शंस को देख सकते हैं। देखो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होने लगी है जनरेट और वो होने लगी है बैटरी में स्टोर, पर इस स्टोर इलेक्ट्रिसिटी का हम करेंगे क्या? इसे यूज करेंगे हम स्ट्रीट लाइट ग्लो करने के लिए। हाँ, स्ट्रीट लाइट ग्लो करने के लिए, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा। तो उसके लिए प्रोजेक्ट को हटाते हैं और स्ट्रीट लाइट को बनाते हैं। तो हमने लिया एक पेज जिसे हमने कर लिया है राउंड, और जैसे पुंगी बनाते हैं वैसे ही पुंगी बना लिए, राउंड कर लिया है हमने, और फेविकोल लेकर उसके ऊपर लगा दिया, और हमारी रॉड तैयार है। रॉड इसीलिए जो स्ट्रीट लाइट के नीचे रहेगी, और हम छोटी छोटी दो पुंगी लेंगे, हाँ यही, और दोनों दाएं और बाएं साइड लगा देंगे, और एक टेंकोर वायर लेंगे जिसे हम फोल्ड कर लेंगे और उसे हम अपनी रॉड के अंदर डाल देंगे, और राउंड की वायर को हम काट देंगे जिससे हमें दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट LED बल्ब पावर पहुंचाने में इजी रहे, मतलब कि दोनों साइड हम LED बल्ब लगा देंगे जिससे सप्लाई एक रहेगी लेकिन पावर सोर्स दो जगह जा पाएगी। और इसके बाद 100 ओम का रेजिस्टेंस यूज करेंगे, 100 ओम का रेजिस्टेंस इसीलिए जिससे पावर सोर्स ज़्यादा LED बल्ब तक ना पहुंचे और LED बल्ब फूक ना जाए। तो हमने ये चेक किया 9 वोल्ट बैटरी लगा। अब इसका पूरा एनिमेशन कैसे कनेक्शन किया गया है एक बार एनिमेशन बेस 3D डायग्राम में देख सकते हैं, जिससे आपको कनेक्शन करना रहेगा क्या ईजी।
ये वो कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारा मतलब कि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट डे नाइट सेंसर सेंसिंग बेस ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनेगा। तो इनके कनेक्शन कैसे करने हैं, जो अभी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यही कंपोनेंट्स से हम कनेक्शंस करेंगे। तो कनेक्शंस जो करने हैं वो 3D डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे कनेक्शंस जैसी पिंस जोड़ी गई हैं वैसे ही पिंस जोड़ें और आपका सर्किट तैयार, और 9V बैटरी लगाकर चेक करें वर्किंग। तो ये तैयार है हमारा सर्किट, अब 9V बैटरी लगाई, जैसे ही डार्कनेस आएगी LED बल्ब ऑन, डार्कनेस गई LED बल्ब ऑफ, डार्कनेस आई LED बल्ब ऑन, ये हमारी थी वर्किंग। अब LED बल्ब हटाकर हम अपनी स्ट्रीट लाइट जोड़ देंगे जो हमने बनाई थी। स्ट्रीट लाइट चेक करने के बाद हम इस स्ट्रीट लाइट में ही अपनी और चारों स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, और उनके कनेक्शन कैसे करना है जैसे डायग्राम में सेम दिखाए गए हैं वैसे ही हम। तो स्ट्रीट लाइट और सर्किट को ले आए हैं हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। और दोनों के 9V कैप को हम काट देंगे और एक दूसरे में जोड़ देंगे, रेड का रेड में और ब्लैक का ब्लैक में, मतलब प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में, और एक और 9V कैप को ले जाकर रेड का रेड में और ब्लैक का ब्लैक में उसकी पिंस को जोड़ देंगे, मतलब कि प्लस माइनस सेम रहे। इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो उसी बैटरी में स्टोर होगी और उसी बैटरी से जाकर स्ट्रीट लाइट में ग्लो होगी, मतलब कि स्ट्रीट लाइट में यूज होगी। हमारे सारे के सारे कनेक्शंस हो गए हैं, इन कनेक्शंस को आपने 3D डायग्राम्स में भी देखा होगा, हाँ 3D डायग्राम्स में देखा होगा। तो उसी तरीके से आपको ये कनेक्शंस करने बिल्कुल इजी हैं। तो आप समझ गए होंगे, जैसे ही ट्रक्स निकलेंगे विंड टर्बाइन मूव होगा एयर प्रेशर से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कैसे जो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें अपने प्रोजेक्ट को किस प्रकार से शो करना है कि यदि कोई भी व्हीकल निकलेगा या ट्रक वगैरह निकलेगा रोड पर से तो वो एयर प्रेशर जनरेट करेगा, एयर प्रेशर के कारण हमारा टर्बाइन मूव करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए हमें LED बल्ब लगाना पड़ा। तो वो ग्लो कर तुरंत बता देता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वो सारे के सारे व्हीकल्स जब निकलते जाएंगे लगातार, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर हमारी बैटरी में स्टोर होती जाएगी, और जब स्टोर हो जाएगी तो वो पावर हम नाइट के टाइम पर, अभी रूम में थोड़ा अंधेरा है इसीलिए हमारी स्ट्रीट लाइट ग्लो हो रही है, मतलब कि नाइट होने पर हमारी स्ट्रीट लाइट में जाने लगेगी, डे में नहीं जाएगी, इससे हमारी रीप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव भी हो पाएगी। जैसे ये सनलाइट समझ लेते हैं, सन की है, जैसे ही सनलाइट आएगी तो हमारी स्ट्रीट लाइट देखो बंद हो गई, ठीक है, और सनलाइट गई तो हमारी चालू हो गई, सनलाइट आई बंद और सनलाइट गई तो चालू, इसका मतलब है कि रात को ही हमारी स्ट्रीट लाइट ग्लो होंगी उस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होकर स्टोर हुई है उससे, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी और एक्स्ट्रा जनरेट भी होगी, है ना अमेजिंग आइडिया। देखो अभी आपने इसकी वर्किंग देख ली होगी, अब आपको इसे इजीली यदि बनाना है तो हमारा किट बॉक्स आप बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर एक साथ आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। किट बॉक्स बाय करने का इजीली तरीका है कि आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और ऑर्डर प्लेस करें, और यदि आपको हमारी वेबसाइट से खरीदना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यदि आपको Amazon से खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है Amazon, उससे भी आप बाय कर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स और भी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।